हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी दीदी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 हिंदी ज्ञान सागर के चैप्टर 7 स्कूल की छुट्टियां का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को अपलोड किया हुआ है और इसके भाषा अभ्यास का भी सॉल्यूशन अपलोड है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और इसके आगे के चैप्टर्स के भी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड है, हिंदी के प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है पाठ में से अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है ये। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है स्वामीनाथन के मित्रों के नाम लिखिए। देखिए, हम लोगों को स्वामीनाथन के मित्रों के नाम लिखने हैं, ठीक है। स्वामीनाथन के मित्र थे ना मटर, मणि, राजम और शंकर। प्रश्न नंबर एक, स्वामीनाथन के मित्रों के नाम लिखिए। स्वामीनाथन के मित्रों के नाम लिखने हैं, देखिए, मटर, मणि, राजम और शंकर। भी को काट दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी लिखा है ना इसे काट दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बात ठीक लगी और क्यों। देखिए, स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बात ठीक लगती है। स्वामीनाथन को पिताजी की यह बात ठीक लगती है कि यदि वो फेल हो जाएगा और उसके जो सहपाठी है वो उससे आगे बढ़ जाएंगे, उसके मित्र उससे आगे बढ़ जाएंगे और वो उसी कक्षा में रह जाएगा और नीचे जो पांचवी की कक्षा है, कक्षा के बच्चे हैं, वो उसके पास आकर के उसके साथ पढ़ेंगे, इतना ख़राब लगेगा। तो वही स्वामीनाथन को अच्छा लगा था। तो लिखिएगा, स्वामीनाथन को पिताजी की यह बात ठीक नहीं लगी कि जब उन्होंने कहा कि यदि वह फेल हो जाए और उसके मित्र आगे बढ़ जाते हैं तो वह उसी कक्षा में रह जाएगा और नीचे कक्षा पांचवी के बच्चे उसके सहपाठी बन गए, तो इस अपमान को कैसे सहन करोगे। इसलिए पिताजी ने कहा कि अभी वह पढ़ाई कर ले, फिर बाद में वह अपनी मनमर्जी के काम कर सकता है। स्वामी ना तो फेल होना चाहता था और ना ही अपने मित्रों से पीछे रहना उसे पसंद था। वह की जगह आप लोग उसे कर लीजिएगा, ना ही उसे अपने मित्रों से पीछे रहना पसंद था। तीसरा प्रश्न है, स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए कैसा लग रहा था, तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं अगले पेज पे। स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए बहुत अटपटा सा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके मित्र उसकी तरह जल्दी जल्दी और सही उत्तर नहीं क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए और अधिक समय काटना कठिन था। चौथा प्रश्न देखते हैं, स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में क्या झूठ कहा और क्यों। देखिए, जब उसके मित्र आते थे स्वामीनाथन बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहता कि मैंने भी इतना लिखा, तो स्वामीनाथन क्यों झूठ कहता है और क्या कहता है। स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में यह झूठ कहा कि उसने भी लगभग आधा पृष्ठ उत्तर लिखा है। स्वामीनाथन ने झूठ इसलिए कहा क्योंकि उसके मित्रों में किसी ने एक पृष्ठ उत्तर लिखा है तो किसी ने तीन चौथाई पृष्ठ लिखा है, किंतु स्वामी ने एक ही पंक्ति में उत्तर लिखा था। वह अपने मित्रों के सामने शर्मिंदा होने से बचने के लिए झूठ कहा, या फिर उसने अपने मित्रों के सामने शर्मिंदा होने से बचने के लिए झूठ कहा। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां किस प्रकार बिताने की सलाह दी। हेडमास्टर ने बच्चों को कहानियों की किताबें पढ़ने और अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहने की सलाह दी। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किसने कहे और किससे कहे। देखिए, किसने कहें किससे कहें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला है, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा पिताजी ने या फिर स्वामीनाथन के पिताजी ने स्वामीनाथन से। यहाँ पर देखिए जगह की कमी थी इसलिए मैंने सिर्फ स्वामी लिख दिया, आप लोग स्वामीनाथन लिख दीजिएगा। देखिए ऐसे स्वामीनाथन, ओके, और यहाँ पर स्वामीनाथन के पिताजी ने। खा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा। अब स्वामी पूछता है इस चीज़ को, किसने कहा, तो स्वामी ने कहा, और किससे कहा, तो अपने एक सहपाठी से कहा।
फिर हाँ भाई तुम लोगों को पेपर कैसा लगा, ये चीज़ राजम पूछता है। और किससे पूछता है, तो स्वामीनाथन से पूछता है। यहाँ पर राजम और शंकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर में बताया जा रहा है यहाँ पे कि थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई तुम लोगों को पेपर कैसा लगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया किसने बोला, तो यहाँ पर राजम ही होगा। ठीक है, राजम ही लिखिए आप लोग, अच्छा रहेगा। सातवां, उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर हम लोगों को कुछ क्वेश्चन है, इसके उत्तर पर हम लोग सही का निशान लगाना है। स्वामीनाथन की परीक्षाओं को लेकर कौन परेशान था, स्वामीनाथन की परीक्षाओं को लेकर पिताजी परेशान थे, स्वामीनाथन के पिताजी। खा, स्वामीनाथन ने दशमलव के सवालों को करने में कितना समय लगाया, तो स्वामीनाथन जो है दशमलव के सवालों को करने में आधा घंटा का समय लगाता है। ग, कौन सी भाषा का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था, तो तमिल की भाषा का, तमिल भाषा का पेपर जो है 5 बजे तक चलने वाला था। स्टूडेंट्स देखिए, भाषा की बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा की बात हम लोग देखते हैं, पाँच में से अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता वाले कोई दो दो शब्द छाट कर लिखिए। देखिए अनुस्वार अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार होता है कि बिंदु, अनुनासिक चंद्र बिंदु, और नुक्ता जो जा फा के पास लगता है उसे नुक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखना है। पाँच में रंग आया है डंडा, अनुनासिक गूंज दूंगा, नुक्ता में चीज आजादी, और भी बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, आप दूसरे शब्दों को भी लिख सकते हैं। रंग डंडा गूंज दूंगा चीज आजादी, भाषा की बात में। दूसरा है, नीचे दिए गए शब्द पाठ में से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोजकर बताइए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। देखिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, 6 शब्द हैं, बताना है हम लोगों को कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। सबसे पहले तुम्हारी, तो तुम्हारी स्त्रीलिंग शब्द है, परेशान पुल्लिंग यहाँ दे दिया गया है, आवाज स्त्रीलिंग शब्द है, बात स्त्रीलिंग शब्द है, उत्तर पुल्लिंग शब्द है, किताब स्त्रीलिंग शब्द है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं रुकूंगा थोड़ा। स्टूडेंट्स मैंने अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, इंग्लिश, तो हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का तो जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ देता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक देता रहता हूँ, देख लीजिएगा, और एग्जाम प्रिपरेशन की क्लासेस को ज्वाइन किया कीजिएगा। तीसरा, भाषा की बात में, पाठ में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके हम लोगों को विलोम शब्द लिखने हैं पाठ से ढूंढ कर। धीरे जल्दी निराशा आशा थोड़ा ज़्यादा सवाल जवाब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का आज का सॉल्यूशन पूरा हुआ है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोग लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोज लाता रहता हूँ। और अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ को भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन एंड भाषा अभ्यास का सॉल्यूशन जरूर से जरूर देख लीजिएगा, आगे के चैप्टर्स भी वीडियो के वीडियोज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।